एक मिनट। हाँ जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका? मुकेश जी। ये आप कैसे, क्या कहते हैं, ये जो कूलर है, ये कूलर है, इसमें एक पंखा लगा हुआ है, कैसे इसको छत पे लगाओगे? इस छत पे यहाँ सामने थोड़ा सा बताओगे? इसकी पत्तियां सीधे करके। हाँ जी हाँ जी, नट लंबा डाल दोगे। और जो ये जो इसके साथ तारें लगी हुई हैं, क्या ये देखो, यहाँ थोड़ा सा धूप में रोशनी में लगा के लेके आओगे। ये देखो, एक कोई चीज लगा हुआ है इसमें, इसका ऐसे के ऐसे लग जाएगा कि ये तोड़ देंगे। नहीं, ये क्या चीज है? अच्छा, ये टाइमिंग है। बाकी ये तो मेन करंट ये है, इसमें मोटर है। अच्छा, इसको उतारना है, उतार के इस छत के ऊपर लगा देना है। ठीक है, ये कितनी देर में हो जाएगा देखते हैं अभी। अच्छा, ये कितने वाट की मोटर है? आधा पावर की है। ये क्या पूरी रसोई को ठंडक देगी? पूरी दे देगी। ओके, आपको कितने साल हो गए हैं बिजली का काम करते हुए? 6 साल। थैंक यू। ये आप करिए, हम देखते हैं। ये काट दोगे? अच्छा, इसको आपने काट दिया। क्योंकि जिसको बिजली का काम नहीं आता, वो कहता है कौन सी में ये तारें लगानी है या कुछ है कि नहीं। इससे अच्छा है तो बिजली वाले को बुला लें। सही बात किया ना, क्यों रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों? आपको भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि करंट लग जाएगा, बहुत रिस्की है। हाँ, जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है। हाँ, है तो आसान पर नॉलेज नहीं है इसकी। अच्छा, इसको आपने काट दिया जितने भी थे, ये सिर्फ टाइमिंग टाइमिंग फिक्स करने के लिए। ये क्या चीज है, क्या चीज ये? कौन सा ये वाली क्या चीज है? जो ये आगे पत्ती है ना, ये इसको क्या कहते हैं? टाइमिंग कहते हैं। टाइमिंग है, ये टाइमिंग है। ये देखो दोस्तों, ये पंखे की टाइमिंग है ये वाले। बाकी हमने कूलर का जो पंखा है वो निकाल लिया इसमें। ये देखो, ये कूलर का पंखा है, इसमें करंट यही है, दिखाना। ये करंट की तार है। हेलो, ठीक, कल देखा है, अभी ले आऊंगा। ओके ठीक है। अब इसको कैसे लगाएंगे? इसको कैसे लगाएंगे बताते हैं। हाँ, इसको इन्वर्टर से लगाएं। एक मेरे हिसाब से एक इन्वर्टर से चलता है, यहाँ एक बिना इन्वर्टर है। आपको पता लग जाएगा कौन सा इन्वर्टर से चलता है, कौन सा बिना इन्वर्टर से। ठीक है, आप देख लेना। वैसे इन्वर्टर से ठीक है ना, इन्वर्टर रसोई का काम है कि नहीं। अच्छा, ये हमें कोई वो पत्तियाँ भी लेने की आवश्यकता नहीं, देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। ओके, इस पत्तियों को घुमा दिया हमने। उम्मीद तो है कि अब हम कर लेंगे, है कि नहीं। ये जो कूलर का पक्खा है, इसको हम छत का पक्खा बना दिए हैं। बहुत बढ़िया, इसकी लाइफ ज्यादा है ना दूसरे से। तार इस तरह से लगाना कि पता ना लगे। हाँ, ऊपर से लगाते, कुछ एक्स्ट्रा तार भी लेके आए हो आप? आपने बोला नहीं है। हाँ चलो, इस तार का ही कुछ बने तो ये लगेगा तो नहीं। सेको देखना, कोई है? नहीं, सेको लगने की उम्मीद है, चांस है। आपका सेक तो वैसे नहीं लगेगा ना, थोड़ा सा मैं कहता हूँ इधर लगा दूँ कि इधर काफी, इधर होना चाहिए ना छत। इसका मतलब आपका कद बड़ा है कि नहीं।
कल को यहाँ लगाना तो यहाँ भी लगा सकते हैं। हाँ हो जाएगा ये। नीचे 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 हाँ चलो नीचे वाले नीचे। अच्छा 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 इतनी मजबूत होती है मोटर इसको हम ठोक रहे हैं। अच्छा हो जाएगा काम। नट चाहिए लंबा नट आपके पास। इसके बीच में नहीं जाएगा इसके देखना इसके बीच में नहीं। बहुत टाइट है ऐसे करते हैं इसके भी चलवा देते हैं बहुत अच्छा रहेगा। इसको खोलेंगे। हाँ अच्छा इसको खोल के अच्छा रहेगा इसके भी चल। अच्छा आपको इधर को जाना है इधर को मत जाना है कि ऊपर से ना जो इसका नहीं ये चीज बात करेगी नहीं। चलो देख लो आप मैं कहता हूँ इधर भी लग सा जाए तो इधर आर पार खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर आए तो सबसे बेस्ट है या यहाँ मेरे छत को सिर को लगने का चांस है तो आपने फिर उधर तो ना। अच्छा नहीं बस ऐसे ही लगा दोगे ऊपर ही ऐसे पेज लगा दोगे खुलेगा खुलेगा बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा कितने देर में हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा लगेगा। अच्छा भाई यार मेरे को लगने का खतरा है इसमें ऊपर जो लग रहा है तो क्या ऊपर में तो बाज करेगा पकड़ना यार बंदा यार मेरे सिर को ना लग जाए ना। हाँ देखते हैं सिर को भी लगने का खतरा देखते हैं। चलो लिया देखते हैं ये आपने बना दिया फैन बहुत बढ़िया। ये पेज ऊपर लगा दिया आपने ओके इस एंगल से देखते हैं ठीक। हाँ जी ये आप जोड़ लगा रहे हो। यस यस। अच्छा 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 इसको इस बटन में आप डालोगे ठीक। मतलब यहाँ से करंट इसके बीच में जाएगा। आप ये कैसे पता करोगे कि जो इनमें से एक इन्वर्टर की है एक बिना इन्वर्टर वाली है ये कैसे आप पता करोगे। हाँ अच्छा वहाँ से आ रही है ठीक। हाँ जी ये क्या कह रही हो आप। एक क्लैंप लगा रहे हैं। अच्छा क्लैंप लगा रहे हो। अच्छा 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 इसका क्या बेनिफिट है आपके सामने है। लेकिन इसको तार को सीधा रखता है ठीक पकड़ करता है। पकड़ करता है पकड़ करता है सीधा नहीं करता पकड़ करता है। ये के इन्वर्टर वाली तार कौन सी है कैसे लगाओगे इन्वर्टर वाली चेक कर रहे हैं। आप सिर्फ चेक कर रहे हो अभी ओके क्योंकि ये जो पक्का है मैं ये सोच रहा हूँ इसको इन्वर्टर वाली तार पे लगाऊं। पर ये ध्यान रखना वहां से भी इन्वर्टर ज्यादा है एक वो खराब ना हो ठीक है उस तार को। आप चिंता मत करो ना ना कोई बात नहीं। अच्छा ये अच्छा ये इन्वर्टर वाली तार है ठीक ठीक इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया। अच्छा ये बटन ठीक था। हाँ ठीक है बटन हाँ ऐसे फ्री था ये पड़ा हुआ था। चलो फिर काम आ गया। हो गया इन्वर्टर वाला सिस्टम बन गया बन जाएगा अभी चेक कर रहे हैं। अभी चेक कर रहे हो अब ट्यूब से कनेक्शन हो गया ना।
मतलब इन्वर्टर में तीन तारें लगेंगी? यस। अच्छा अच्छा, अब उसके साथ तीन तारें अटैच हो गई? नहीं अभी हुई नहीं है, बीच वाले में से अभी कर रहे हैं। ये तो दो हैं, दो एक कहीं से लोगे है ना? ये काम टेक्निकल होता है ना कि कौन से दो जगह पे इन्वर्टर वाली हो, एक बिना इन्वर्टर वाली हो। ठीक, अब आप क्या ढूंढ रहे हो? नट। अच्छा नट, इसका नट निकल गया है। अच्छा नट निकला हुआ है। अब ये जो तार है इसके बीच में आप डाल दोगे और इन्वर्टर से इसका कनेक्शन कर दोगे। ठीक, ये बीच वाला जो बटन है, जो बीच वाला है। ठीक, गर्मी बड़ी लगा दी आपने। हाँ कोई बात नहीं, गर्मी तो हम कर लेंगे, आपका काम हम कुछ सीख रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो एक तार जुड़ी है उनके साथ, अभी जुड़ रही है एक, इसके साथ तीन तारें जोड़नी है इन्होंने। सप्लाई भी देनी है वहाँ से, पहले बटन से सप्लाई जाएगी, उसको खोलेंगे उसमें से एक सप्लाई निकालेंगे। अच्छा सभी में करंट है ना? यस। बहुत खतरनाक करंट है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये भी इन्वर्टर वाला बना बना है कि बिना इन्वर्टर है? बिना इन्वर्टर। हाँ चलो ये तो बिना इन्वर्टर है, इसको हमें क्या छेड़ना है, ये बन जाएगा कल को कहना हो। हाँ। ठीक, वो चिट्टे वाली तार उठाना क्यों, मैं इसको इसको इसलिए चिट्टे वाली तार निकाल दूँ, उठा लिया वो पीछे है ये वाली नहीं, वो चिट्टे सिंगल सिंगल, वो सिंगल वाली दे दे सामने सामने सामने। ठीक दिखाना, दिखाएं। अच्छा एक आपने छोटा सा क्या कहते हैं कनेक्शन लगाने के लिए तार लिया है ना? अच्छा उसको दोनों बटनों के साथ कनेक्शन लगा दोगे, बस और कुछ नहीं करना, अपने आप इन्वर्टर जाएगा। ठीक 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 है, यही देखो ये इन्वर्टर चल रहा है। हाँ करंट आ गया, क्या लग गया ये देखो, ये पंखा चल गया चलाना। हाँ ये पंखा चल गया, ठीक है जब इसको इसके साथ जोड़ा है ये पंखा चल गया है। ठीक, इसको जोड़ दिया है, बहुत आसान है, सिर्फ सीखने की बात है, जो भी बिजली का काम सीख रहे हैं सिर्फ दिमाग लगा के सीखें तो अच्छा इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ अच्छा, हमने प्लस जोड़ा था कि उसमें माइनस जोड़ा था? प्लस जोड़ा था। ये कैसे पता लगता है कि इसमें हमने प्लस जोड़ा है? तार से। तार से मतलब कि ऊपर वाला हमने जोड़ा है, नीचे वाला नहीं जोड़ा? जैसे हम आपने ऊपर जोड़ दिया है, ठीक है मैं यहाँ कैमरे में देख रहा था, नीचे नहीं जोड़ा, मतलब ये ऊपर वाली जगह पे जोड़ा है आपने, नीचे वाली जगह पे नहीं जोड़ा। वो जो कनेक्शन पहले ऊपर हुआ है ना, सीधे तार डालनी पड़ती है। अच्छा 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 अच्छा, ये चक्कर है। ठीक 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 है, हाँ है ना, यहाँ तक है बस, यहाँ तक है। कल को इसको पंखा बड़ा कर सकते हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं, अब सिर्फ यहाँ ठीक है। देखो साथियों ये कूलर था, इस कूलर के पंखे को हमने छत के पंखे में बदल दिया, बहुत अच्छी हवा है, देखिए ये चल रहा है।
ये श्रीमान जी हैं, क्या नाम बताया था आपने? मुकेश। इन्होंने पखा चला के हमें दिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। ठीक हो गया।